हेलो डियर स्टूडेंट्स, कम इन टू द क्लास। आइए हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर चैप्टर रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत प्रथम पद के अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निकाले थे और दर स्थिरांक था के इक्वल टू 2.303/3 लाग 10 पे ए बटे ए माइनस एक्स। अब आप क्या करोगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण आपका आया था दर स्थिरांक के का मात्रक के इक्वल आया था 2.303/3 लॉग 10 पर 1 माइनस x ए बटे ए माइनस एक्स आया था। ठीक है, जहां पर ये आपके क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता समय t बराबर 0 पर और समय t पर सांद्रता आपकी कितनी आई थी, a माइनस x आई थी। ठीक है, अब यदि अभिकारक की सांद्रता समय T1 और T2 पर दी गई है, यदि अभिकारकों की सांद्रता समय T1 पर a माइनस x1 और समय T2 पर अभिकारक की सांद्रता कितना a माइनस x2 दी गई हो, तो ये आपका अभिक्रिया का दर स्थिरांक हो जाएगा के इक्वल 2.303/T2-T1 लॉग 10 पर ए माइनस एक्स वन बटे ए माइनस एक्स टू। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब आप देखेंगे अर्ध आयु या हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु या हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक की मात्रा उसकी प्रारंभिक मात्रा की आधी शेष रहती है और आधी मात्रा किसमें बदल जाएगी, उत्पाद में बदल जाएगी। तो अर्ध आयुकाल वह समय अंतराल, अर्ध आयुकाल या हाफ लाइफ पीरियड वह समयांतराल है जिसमें अभिकारक की शेष मात्रा अभिकारक की
शेष मात्रा, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा की कितनी, आधी शेष रहती है। अर्ध आयु काल को आप टी एक बटे दो, अर्ध आयु काल को टी एक बटे दो या टी फिफ्टीन से क्या करते हो, व्यक्त करते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, नीचे जाएगा के इक्वल 2.303 बटे कितना, बटे आपका हो गया टी फिफ्टी, और इधर हो गया लाग दस पे ए बटे ए माइनस कितना खर्च हो गया, शेष मात्रा कितनी बचेगी, ए माइनस ए बटे दो, तो आपका कितना हो जाएगा के इक्वल 303 बटे टी और लाख दस पे ए बटे ए बटे दो, ये बचेगा ना, ए में से मैडम निकल जाएगा, ए बटे दो जगह है, नीचे जगह है, अरे नीचे जगह है। अब ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका के इक्वल 2.303 बटे ये कितना हो गया, ये आपका हो गया पी हाफ या टी फिफ्टी, और ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया टी एक बटे दो, इधर कितना हो गया लाग ए इंटू टू इंटू कितना हो गया, ये हो गया, और यहाँ से के का मान हो गया 2.303 बटे टी हाफ, इधर कितना हो गया लाख टू, और लाख टू का मान कितना आता है 0.3010, ठीक है, तो के इक्वल आ गया 2.303 बटे टी हाफ, इधर हो गया 0.3010, तो 2.303 में 0.3010 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका के बराबर आ जाता है ना, उड़ा करके बताओ रहता है 0.693 बटे कितना हो जाता टी हाफ, तो यहाँ से आपका टी हाफ आ गया 0.693 बटे कितना के, ये आपका क्या आ गया हाफ लाइफ ऑफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड में कहीं भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इस फार्मूले में नहीं आ रही है ना, के का मान कहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, अगले वीडियो लिंक में हम लोग प्रथम कोट के अभिक्रियाओं के लक्षण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, उसके बाद आभासी प्रथम कोट के अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो प्रथम कोट के मालूम होती है लेकिन प्रथम कोट के होती नहीं है, इसको छद्म एकाणुक अभिक्रिया या आभासी अभिक्रिया बोलते सुडो यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। आप हमारा अगला वीडियो लिंक देखने के लिए प्रतीक्षा कीजिए, वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड टू these topics. Thanks.